दिस इज वीरेन मिश्रा, वेलकम टू डेमोक्रेसी स्पीक्स। आज मैं आप सबसे जिस टॉपिक पर बात करने आया हूँ, वो टॉपिक देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को हमारे देश में बहुत हद तक नेगलेक्ट किया गया है। इस टॉपिक का बहुत बड़ा इफेक्ट भी है हमारे देश पर, लेकिन हमने इस पर कहीं ना कहीं इस पर बात करने से बचते रहे। जी हाँ, आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ हाउ इंडियाज रियल हिस्ट्री इज हिडन फ्रॉम इंडियंस। हमारा असली इतिहास हम सबसे कैसे छुपाया गया, आज मैं आप सबसे इस पर बात करने वाला हूँ। देखिए, आपको आपका इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप ये समझ सकें कि आपके एंसेस्टर्स ने, आपके पूर्वजों ने क्या गलती की और वो गलती आप ना दोहराएं। लेकिन आप क्या सीखेंगे इतिहास से जब आपको आपका असली इतिहास ही पढ़ाया ना जाए। एक उदाहरण देना चाहूँगा, हम सब जानते हैं कि हिटलर ने यहूदियों पर कितने अत्याचार किए, किस तरह उनका मांस मसैकर करवा दिया। लेकिन आज आप इसराइल चले जाएं तो आपको एक भी ऐसा स्मारक नहीं दिखेगा जो हिटलर का महिमा मंडन करता हो या नाजी पार्टी के गुण गाता हो। वहीं आप हमारे भारत में आ जाइए तो आप एक बात देखेंगे कि हमारे भारत के कुछ राजनेताओं ने, जो हमारे देश पर आज़ादी के बाद से राज करते आए हैं, उन सेक्युलर सरकारों ने हमारे देश को स्टॉकहोम सिंड्रोम का गढ़ बना दिया। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या है? ये स्टॉकहोम सिंड्रोम, अगस्त 1973 अगस्त में स्टॉकहोम की एक बैंक में एक व्यक्ति ने वहाँ के 4 कर्मचारियों को बंधक बना लिया। 6 दिनों तक उन एम्प्लॉयज़ को उसने बंधक बना के रखा। जब उन बंधकों को छुड़वा लिया गया और जिस अपराधी को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो ये जो बंधक थे उस अपराधी के खिलाफ गवाही देने नहीं गए। जब उस अपराधी को जेल हो गई, उस अपराधी को जेल होने के बाद ये बंधक उससे मिलने जाया करते थे। इसे एक बीमारी के तौर पर देखा गया और इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम, मतलब स्टॉकहोम वाली बीमारी कह दिया गया। हमारे भारत को भी स्टॉकहोम वाली बीमारी का गढ़ हमारे देश के सेक्युलर राजनेताओं ने बना दिया। वो कैसे, मैं आगे बता रहा हूँ। हमारे देश में स्टॉकहोम सिंड्रोम का एग्जांपल, हमारे राजनेताओं ने किस तरह हमारे देश को स्टॉकहोम सिंड्रोम का गढ़ बनाया, उसका एग्जांपल मैं दूंगा। हमारे देश की राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बाबर, औरंगजेब, तुगलक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और सबके नाम पर ऐसी सड़कें हैं। और ये औरंगजेब के नाम को तो हटा दिया गया, लेकिन आज जो औरंगजेब के वंशज उस सड़क को घेरे वहाँ बैठे हुए हैं। मैं और इसका सबसे शर्मनाक, हमारे देश में जो सबसे शर्मनाक और सबसे बड़ा एग्जांपल दूं अगर, तो वह है बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी का। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश का शिक्षा का गढ़ मानी जाती थी, उस यूनिवर्सिटी को जलाने वाले बख्तियार बिन खिलजी, मोहम्मद बख्तियार बिन खिलजी को हमारे देश में ऐसा सम्मानित किया गया कि हमारे देश में उसके नाम पर एक शहर ही बसा दिया गया। जी हाँ, बिहार में एक शहर है बख्तियारपुर करके। सिर्फ बख्तियारपुर की बात ही नहीं कर रहा, दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली में बाबर रोड तो है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है। क्यों राणा सांगा रोड क्यों नहीं हो सकता? अगर बाबर रोड हो सकता है तो राणा सांगा रोड क्यों नहीं हो सकता? कौन है राणा सांगा? राणा सांगा वो योद्धा जो शरीर पर 80 घाव लगने के बाद, जिनका एक हाथ कट गया, एक पांव भी कट गया, एक आंख फूट गई, उसके बाद भी बाबर की तोपों के सामने खड़े रहकर 10-12 घंटे तक बाबर से युद्ध करते रहे, उन राणा सांगा का नाम हमारे देश में, उनके नाम पे हमारे देश में एक स्मारक नहीं। दुख तो इस बात का है कि हमारे देश की राजधानी में उनके नाम पे एक स्मारक नहीं। एम्परर अकबर ग्रेट हैं, तो राणा प्रताप कौन है? वो राणा प्रताप जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे, युद्ध करते रहे, जंगलों झाड़ियों में रहे, वो राणा के नाम के आगे ग्रेट नहीं लगता। लेकिन वो अकबर जो चित्तौड़गढ़ में 35,000 हिंदुओं के नरसंहार, चलिए हिंदू शब्द हटा दीजिए, 35,000 निर्दोष प्रजा के नरसंहार का जिम्मेदार है, वो अकबर हमारे देश में महान हो गया? राणा कुंभा, वो योद्धा जो इस पूरी जिंदगी में एक लड़ाई नहीं हारा, वो योद्धा का नाम हमारे इतिहास में कहीं गायब कर दिया गया? कौन जानता है बाप्पा रावल को? बाप्पा रावल वो योद्धा जिनसे एक बार हारने के बाद एक भी इस्लामिक आताताई का इतनी हिम्मत नहीं हुई कि 400 साल तक भारत पर नजर उठा सके, वो बाप्पा रावल आज गुमनाम हो चुके हैं हमारे भारत में। ये है हमारे देश में ये स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये पढ़ाया जाता है कि कुतुब मीनार किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनाया, यह हमें सब पढ़ा दिया जाता है। लेकिन हमें यह क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई थी, अयोध्या का राम मंदिर किसने तोड़ा, सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा, यह हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? हमारे भारत पर मौर्य, गुप्त, शुंग, कनिष्क और ऐसे महान साम्राज्यों ने राज किया, लेकिन हमारा इतिहास की टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, बच्चों को 214 साल तक राज करने वाले मुगलों से पूरा इतिहास भरा पड़ा है। इनका हमने पढ़ा के एकदम रख दिया। हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, राणा प्रताप शुरुआत से लेकर अंत तक हल्दी घाटी में डटे थे, लेकिन अकबर की
हिम्मत नहीं हुई हल्दी घाटी में कदम रखने की, आज वो अकबर महान है, मैंने पहले भी कहा वो अकबर महान है, और राणा प्रताप केवल राणा प्रताप है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने जीरो से शुरुआत की मराठा साम्राज्य की और ऐसी सेना बना दी, ऐसा साम्राज्य बना दिया जिसने दिल्ली के मुगलों के नाक में दम कर दिया। लेकिन उन शिवाजी महाराज के बारे में कितना पढ़ा आपने? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे महान क्रांतिकारियों के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस है, रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान वॉज हैंग टिल डेथ। बस क्या इतने पर खत्म हो गई इन महान क्रांतिकारियों की कहानी? चंद्रशेखर आजाद वॉज किल्ड इन अ पुलिस एनकाउंटर, वॉज किल्ड इन अ पुलिस एनकाउंटर। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी अंग्रेजों के हाथ में आने से अच्छा, और हमारे हमें पढ़ाया गया चंद्रशेखर आजाद वॉज किल्ड इन अ पुलिस एनकाउंटर। ये वो ऐसे हमारे देश का इतिहास हमसे छिपाया गया, ये तरीका था इतना छुपाने का। आप संघर्ष क्या सीखोगे? आप संघर्ष क्या सीखोगे जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ोगे? आप संघर्ष क्या सीखोगे जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ोगे? आप जब ये नहीं पढ़ोगे कि अब्दुल कलाम कौन थे, अब्दुल हमीद कौन थे, आप मेहनत करना क्या सीखोगे? आप जब ये नहीं पढ़ोगे कि राणा प्रताप ने हरे घास की रोटी जंगलों में रहकर कैसे खाई, कैसे जंगलों में आदिवासियों के बीच में एक महाराज रह चुके, आप क्या सीखोगे संघर्ष क्या है? जब आप छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ोगे, उनकी पूरी जीवनी नहीं जानोगे, तो क्या जानोगे आप बहादुरी क्या है, औरतों का सम्मान कैसे करते हैं, आप क्या सीखोगे? जब हमारे देश की लड़कियां ये नहीं जानेंगी कि महारानी पद्मावती कौन थी, उनका इतिहास क्या था, रानी दुर्गावती कौन थी, उनका क्या इतिहास था, वो अपने सम्मान के लिए कैसे लड़ना है क्या सीखेंगी? मैं चाहूं तो अनगिनत एग्जांपल आप सबके सामने रख सकता हूं कि कहां हमारे देश में आतंकवादियों के नाम के आगे ग्रेट लग गया, लेकिन जो असली हीरो था उसे गुमनाम कर दिया गया। लेकिन आज इस वीडियो को यही अंत कर रहा हूं। आप सबको सोचना होगा कि आपसे पिछली सरकारों ने क्या छिपाया, आपसे क्या छीना गया, क्या आपसे दूर हो गया। आप खुद इस पर विचार कीजिए कि हमारा असली इतिहास क्या था और हमें क्या परोस दिया गया हमारे सामने। आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर जगह जितने कॉन्टैक्ट्स है सबसे वीडियो शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना ताकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप सब तक वीडियो आ जाए। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो देखकर क्या लगा, आपके क्या विचार हैं इस पर, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखते रहिए डेमोक्रेसी स्पीक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।